हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग? गाइस, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली व्यूवर्स, क्योंकि आज अगर देखा जाए तो अब आपके लिए लगा है न्यू मून एनर्जी। तो ये जो न्यू मून एनर्जी है, ये आपके लिए क्या इम्पैक्ट कर रही है, आपके पर्सन की एनर्जी पे उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपको लेके, तो चलिए जान लेते हैं व्यूवर्स की न्यू मून एनर्जी इम्पैक्ट आपके रिलेशनशिप पर क्या हो रहा है। रीडिंग जर्नल कलेक्टिव है व्यूवर्स, तो ये रीडिंग सभी के लिए की जा रही है। कुछ आपसे रेजोनेट होगा, कुछ किसी और से रेजोनेट होगा, इस बात का ध्यान रखें। जितना भी आपसे रेजोनेट हो उसको ही क्लेम करें, ज़बरदस्ती अपने आप को फिट इन करने की कोशिश ना करें। जो आपसे रेजोनेट होगा आपको ऑटोमेटिकली फील होता जाएगा। ओके, रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हो तो प्यारा सा लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए देखते हैं व्यूअर्स की यहाँ पे, ओके, ये न्यू मून एनर्जी इम्पैक्ट आपके रिलेशनशिप पे क्या हो रहा है। सो प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ हमें मदद करें, बताएं न्यू मून एनर्जी इम्पैक्ट क्या हुआ है मेरे व्यूअर्स के रिश्ते के ऊपर। ओके, बॉटम से आता है सौरव। सो आई थिंक आपको यहाँ पे सारे कार्ड नज़र आ रहे होंगे व्यूवर्स। ओके, मैं टैरो से देखती हूँ। ओके, सो वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल, वी हैव टेम्परेंस एंड द चैरियट, क्वीन ऑफ सोर्ड एंड द एट ऑफ सोर्ड। ओके, ओके व्यूअर्स, मैं कुछ और कार्ड्स भी ले रही हूँ क्योंकि मुझे बिफोर एंड आफ्टर दोनों तरह के पिक्चर को यहाँ पे देखना है आपके रिलेशनशिप की। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। ओके, सो वी हैव थ्री ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ वैंड्स, एस ऑफ सोर्ड, वी हैव फूल एंड द किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। बॉटम से फाइव ऑफ सोर्ड आता है जो, और डेविल। देखो व्यूअर्स, दोनों ही केसेस के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे फाइव ऑफ सोर्ड और जो है डेविल एनर्जी, वो आपकी दोनों एनर्जी को इफेक्ट करती हुई नज़र आती है। ठीक है, तो मैं कैमरा एडजस्ट कर रही हूँ आपके लिए। अब आपको सारे कार्ड नज़र आ रहे होंगे, राइट? ओके व्यूअर्स, तो देखिए आपके रिलेशनशिप के अंदर जो आपके पर्सन की एनर्जी मिलती है वो ये दिखाती है, समवेयर आपके पर्सन का जो परसेप्शन बन गया था या वो जिस तरह से इस रिलेशनशिप को देख रहे थे, वो सिर्फ वही था। मतलब एक तरह से बहुत सीमित दायरा हो जाना, आप समझ सकते हो। जैसे कि अगर उनको लग रहा था ये रिलेशनशिप ठीक नहीं है, तो वो ठीक नहीं है, फिर तो कोई भी चाह के भी उस रिलेशनशिप को अच्छा नहीं ठहरा सकता। या फिर ये रिलेशनशिप, मतलब इसमें अब वो बात नहीं रही, तो वो बात नहीं रही। ठीक है, मतलब एक सीमित दायरा हो जाना और उसी में इंसान का उलझ जाना। ठीक है, उसी को सच मान लेना जो दिख रहा है, उसी को सच मान लेना, बियॉन्ड द इल्यूजन जाने की कोशिश करना ही नहीं और रियलिटी को देख पाना नहीं, वो एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में ये चीज़ें एक तरह से चल रही थी। मतलब अगर मैं देखूँ व्यूअर्स की, कुछ लोगों के लिए मुझे एक ये थॉट भी मिल रहा है यहाँ पे कि आपके पर्सन, कुछ लोगों के लिए बोल रही हूँ, हर एक के लिए नहीं होगी ये बात, लेकिन ऐसा हो सकता है कि अगर आपके रिलेशनशिप में पास्ट में कोई प्रॉब्लम आई, सपोज़ आपने कोई रिलेशनशिप में अपने प्रॉब्लम फेस की, आपके पर्सन ने आपसे मतलब आपके और आपके पर्सन का ब्रेकअप होता है, आप दोनों अलग हो जाते हो। ठीक है, लेकिन उनको कुछ चीज़ें आपकी ऐसी होती हैं, कुछ भी ऐसा एक्ट, कुछ बोला हुआ या कुछ करा हुआ या कुछ फील करवाया हुआ, जिसको लेके वो गुस्सा बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा ईगो में आ जाना,
ठीक है, या फिर किसी बात को अपने मन पे लेके बैठ जाना और उसी बात को समझ लेना कि यार ये मेरे साथ में क्यों हुआ, ठीक है, इसने ऐसा मेरे साथ में क्यों किया, उसको लेके जैसे कि अंदर कैसा होता है ना ज्वाला सी भड़क जाना, वो एनर्जी से कि आपने उनके मन के अंदर एक ज्वाला सी भड़का दी, गुस्से वाली और ईगो वाली। तो जब आपको वो चेज़ कर रहे थे, ठीक है, तब आपने उनकी मतलब हो सकता है कि भाई उनके कॉल मैसेज हो सकता है इग्नोर करें हों, आपने उनको रिप्लाई ना दिया हो, लेकिन या फिर ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, ठीक है, कि भाई आप उनको चेज़ कर रहे थे, आपको वो रिप्लाई नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर ऐसा होता है कुछ चेंजेस आते हैं और यहाँ पे जो पिकअप नहीं कर रहा था कॉल या वो जो बात नहीं कर रहा था वो बड़ा सडन इंसान बात कर लेता है। अब वो उसका बात कर लेना, ठीक है, मतलब उसको ये दिखाना चलिए यार इस पे तरस खा के बात कर लो, ये ऐसा आपने भी किया होगा, ऐसी बात नहीं, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं, तो आपने बात कर ली। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर बात हो गई, आपको लगा कि ठीक है मैंने चलो उसको माफ़ कर दिया, जो भी है अब जो रिलेशनशिप में जो हुआ सो हुआ, उसको लेट गो करते हैं, जाने देते हैं, एक नए सिरे से लाइफ स्टार्ट करते हैं, ऐसा हो गया। अब बात होती है वो रिवर्स, पलट जाती है। अब बात क्या पलटती है कि यहाँ पे हो सकता है आपका गुस्सा शांत हुआ हो या फिर आपके पर्सन का गुस्सा शांत हुआ हो, गुस्सा शांत नहीं हुआ, यहाँ पे उसकी ईगो सेटिस्फाई हो गई, ठीक है, मतलब बातचीत हुई, प्रॉब्लम होती हैं, उन चीज़ों को देखा जाता है और सामने वाले को लगता है कि ठीक है बात हो गई, इसने कर ली मुझसे बात, सब कुछ हो गया। अब रिवर्स एक्शन शुरू हो जाते हैं, यानी जो रनर था वो चेजर हो जाता है, जो चेजर था वो रनर हो जाता है, ठीक है, पहले हो सकता है आप चेजर हो वो रनर हो, लेकिन अब आप रनर हो वो चेजर है, तो कुछ ऐसी सिचुएशन भी रिवर्स यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक ऐसा एनर्जी नज़र आई जो कहीं ना कहीं परिस्थितियों को बदल जाना दिखाती है, यानी जैसे कि रुख बदल जाना, विपरीत हवाओं में बह जाना, और कहीं ना कहीं एक ईगो का मसला भी यहाँ पे मुझे कुछ हद तक नज़र आता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ आपके रिलेशनशिप में, यानी आपके रिलेशनशिप में जो इंटीमेसी, देखो ये कार्ड हमारे पास जब मैं फर्स्ट प्रीवियस एनर्जी निकाल रही थी तब भी ये कार्ड आते हैं सेम कॉम्बिनेशन में, और जब मैंने सेकंड एनर्जी निकाली तब भी ये कार्ड आते हैं सेम कॉम्बिनेशन में, यानी कि कहीं ना कहीं चीज़ें फ्लिप हुई हैं, फ्लिप फ्लैप करते हैं ना आप समझ सकते हो, तो ये आपके रिलेशनशिप में हुआ है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसके साथ में क्या हुआ है, ठीक है, या तो आपने अगर उनको चेज कर रहे थे, उन्होंने बात करी फिर आपने उनको ब्लॉक किया होगा, या फिर आपने आपके पर्सन आपको चेज कर रहे थे, आप बात नहीं कर रहे थे तो आपने बात करी, तो अब आप उल्टा कर रहे हो, ठीक है, समझ में आ गई चीज़ें क्या हो रही हैं। तो ये कुछ मुझे नज़र आ रहा है कि यानी जो चीज़ें जैसी दिख रही थी अब उसके जस्ट अपोजिट दिखती हुई नज़र आ रही है, या फिर कहीं ना कहीं चीज़ें बदल गई हैं, देखने का नज़रिया, लुक, बिहेवियर, ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पे मुझे बदली हुई नज़र आ रही हैं। तो अभी इस रिलेशनशिप में जो पहले हर्ट था वो अब हर्ट है, मतलब जो पहले हर्ट था वो अब खुश है, जो पहले खुश था वो अब हर्ट है, ठीक है, मतलब एक तरह से देखा जाए कि भाई एक पर्सन यहाँ पे इमोशनली हर्ट नज़र आ रहा है और एक पर्सन यहाँ पे ईगो में सेटिस्फाई नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है, तो ये चीज़ें कि यहाँ पे फर्स्ट इंप्रेशन मुझे मिला है। बाकी अगर मैं व्यूअर्स यहाँ पे देखूँ तो ऐसी एनर्जी गाइज मिलती है कि ये जो पहले पर्सन है आपकी जो एनर्जी दिखाई देती है ये आपको लेके पहले ऐसा नज़र आ रहा है कि न्यू बिगनिंग करने के बारे में भी सोचते थे ये, और मतलब ऐसा होता है ना कि आप लेट गो कर भी नहीं पाते हो, लेट गो करना भी चाहते हो, या फिर आगे बढ़ना चाहते हो बढ़ भी नहीं पाते, जैसे मन स्थिर ना हो जाना, या फिर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने की कोशिश करते हो लेकिन आपका मन आपके ऊपर हावी हो जाता है ना, तो ये एक आपके पर्सन की यहाँ पे सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। आई होप मैंने जो पहले सिचुएशन आपको बताई थी वो समझ में आ गई होगी। तो सेकेंड सिचुएशन जो यहाँ पर फील होती है वो ये दिखाती है कि यहाँ पे आपके पर्सन रिवर्स एक तरह के गिल्ट में भी मुझे नज़र आ रहे हैं और एक तरह की पॉज में भी नज़र आ रहे हैं प्रीवियस एनर्जी के अंदर, मतलब जितना वो आगे बढ़ने की आपसे दूर जाने की कोशिश करते थे या फिर कुछ नए स्टेप लेने की कोशिश करते थे उतना ही वो अपने मन की बातों में या फिर अपने दिमाग की बातों में, क्योंकि दोनों ही चीज़ें यहाँ पे मुझे नज़र आ रही हैं, उनमें फंसते हुए नज़र आते थे, मतलब जो करने की सोचा उसके जस्ट अपोजिट होता था, या फिर इनका मन इनके लिए सपोर्ट नहीं करता था या इनका दिमाग इनके लिए सपोर्ट नहीं करता था, कभी बहुत ज़्यादा फ्यूरियस हो जाना और कभी बहुत ज़्यादा एकदम से बिल्कुल पानी की तरह ठंडे हो जाना, शांत हो जाना, कभी एकदम बुलबुलाहट सी, तो वो व्यूअर्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि ये कहीं ना कहीं पास सिचुएशन है
जो इंसान के माइंड को ही रिप्रेजेंट करती, कि वो जो देखना चाहता है या देखना चाहती वो उसी तरह से देख रहा था, ठीक है। और कुछ बातों की वजह से, कुछ अनुभवों की वजह से व्यूअर्स, ये पर्सन अपनी लाइफ में आगे स्टेप नहीं ले पा रहे थे, ठीक है, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। अभी फ़िलहाल एनर्जी गाइज ये दिखाती है सम काइंड दे सीधा अनदर आस्पेक्ट, और आपको भी बहुत कुछ ऐसा होगा व्यूअर्स जो अपने अपने पार्टनर को लेके बहुत ही अलग देखने को मिल रहा होगा। इनका नेचर, इनका बिहेवियर, इनका लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग, जो कि ये दिखाना चाहते हैं, मतलब आपको, मतलब ऐसे होता है ना शो ऑफ करना, मतलब या किसी की आंखों में दिखाना, जैसे सोशल मीडिया के ऊपर होता है कि आप किसी के माइंड में अगर कोई बात बैठा देना चाहते हो तो बार बार उसको रिपीट टेलीकास्ट की तरह चलाते रहो, जैसे न्यूज़ चैनल वाले करते हैं ना, मतलब अगर। तो व्यूवर्स यहाँ पे मैं वही देख पा रही हूँ कि यहाँ पर आपके पर्सन जो आपको दिखाना चाहते हैं वो आपको रिपीट रिपीट वही वाली दिखा रहे हैं, जैसे स्टेटस लगाना, डीपी लगाना या कुछ ऐसी चीज़ें डालना, तो ताकि आप उन चीज़ों को सच मानो या फिर उन चीज़ों को ही कहीं ना कहीं देखो, ठीक है। और जो असलियत है वो आपके पर्सन व्यूवर्स आपसे यहाँ पर छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो व्यूवर्स यहाँ पर वही नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है आपके, ठीक है, ये हो सकता है कुछ ऐसा आपको दिखा रहे हो जिससे आपको हर्ट हो रहा हो, या फिर ये भी हो सकता है व्यूवर्स यहाँ पर कि आपके पर्सन अपनी लाइफ का एक ऐसा आस्पेक्ट जो कहीं ना कहीं पेनफुल है, या फिर जो उनके इनकी लाइफ में मतलब दर्द से निकलना या फिर दर्द को हाइड करना ही दिखाता है। तो आप समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन का एक्ट या तो आपके ऊपर भारी पड़ रहा है, या फिर आपको जो ये दिखा रहे हैं बहुत ज़्यादा खुश वगैरह हो करके या सब ये चीज़ें करके, दो ही सिचुएशन है, या अपना ये दर्द छुपा रहे हैं, अपने दर्द से ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनका उस दर्द से ओवरकम करना आपको दर्द दे रहा है, ठीक है। तो ये सिचुएशन व्यूवर्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आई थिंक व्यूवर्स आपको मे बी ये रीडिंग सुनने में अच्छी ना लगे, लेकिन व्यूवर्स देखो रियलिटी यही है कि ये जो पर्सन है ना, इनकी इच्छाएँ इस समय काफ़ी प्रबल है। मतलब कहते हैं ना, कोई चीज़ आप डिज़ायर करके चल रहे हो, आपने कोई चीज़ डिज़ायर कर ली, कोई विश कर ली, या फिर आप किसी चीज़ को लेके विलफुल हो गए, विलिंगनेस हो गई आपकी, मतलब समझ सकते हो ना आप, उसमें एक स्पार्क है, उसमें एक ऐसा है कि आप फिर ना, मतलब अगर ये आपसे जुड़ेंगे भी ना व्यूअर्स, मैं आपको बता दूँ, अगर आपसे जुड़ेंगे भी तो ये इधर उधर की चीज़ें नहीं देखेंगे, ये उसके पीछे हार्ट ब्रेक करेंगे किसी और का। और अगर ये व्यूअर्स आपको इग्नोर कर रहे हैं तो व्यूअर्स इसकी मतलब एनर्जी गाइज यही नज़र आ रही है कि ये आपके दिल को भी इस समय नहीं देख रहे, यानी कि ये सिर्फ अपने थॉट, अपने इनके दिमाग में जो चल रहा है, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे मिल रही है, क्योंकि मैं देख रही व्यूअर्स यहाँ पे एक सौरव की एनर्जी भी आती है, यानी कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में भी एक ऐसा टाइम रहा है इस पर्सन की लाइफ में, जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि इस दर्द से निकलने को लेके, इस दर्द से बाहर ओवरकम होने को लेके इस पर्सन को काफ़ी लंबा टाइम लगा है। तो आप दोनों में अगर सेपरेशन व्यूअर्स रहा है तो सेपरेशन ये दिखाता है, उस सेपरेशन का इम्पैक्ट भी इस पर्सन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हुआ है। और जो मैंने बोला ईगो वाली बात, वो गलत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों से रेजोनेट ना हो, लेकिन ये है कि मतलब ऐसा हो सकता है कि भाई आप इस समय एक ऐसी सिचुएशन में आए हो, एक ऐसी एनर्जी में आए हो जहाँ पर आपने इस पर्सन की कोई बात सुनी ही ना हो, ठीक है। कोई बात को, मतलब जैसे कि कहते हैं ना, बार बार अगर कोई इंसान गलती पे गलती करता चला जाता है तो कभी ना कभी स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, ठीक है। तो आपने अगर स्ट्रिक्टनेस दिखाई है तो उसी का इम्पैक्ट हुआ है व्यूअर्स की ये जो पर्सन था आपका, ये थी, जैसा भी रहा है, ये बहुत ज़्यादा गिल्टी और पेन में रहा है, बहुत ज़्यादा, जैसे तड़पना, रोना, गिड़गड़ाना, यार यार ये क्या हो गया, ये एकदम से इंसान इतना कैसे बदल गया। तो अगर आपने थोड़ी सी अपने करेक्टर में ढील दी है तो व्यूअर्स यहाँ पे समझ लो कि आपने इनके स्पार्क कर दिया, इनकी ईगो को, वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। स्पार्क दे दिया है आपने इनको, जैसे कि जीत का एहसास करा दिया है, ऐसी एनर्जी गाइज मिलती है मुझे यहाँ पे। आपको लग रहा होगा कि मैं तो हमेशा पॉजिटिव बोलती हूँ, लेकिन देखो व्यूअर्स जो आएगा वो बताऊँगी, ऐसा नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव बोलती हूँ तो पॉजिटिव ही बोलूँगी, जो जैसी फीलिंग आती है, जैसी एनर्जी आएगी, मैं वैसा ही आपको बताऊँगी। तो अभी देखते हैं इस पर्सन का आपको लेके माइंडसेट क्या है, क्योंकि मैंने यहाँ पर सिर्फ एक सिचुएशन को देखने की कोशिश की है अभी, कि पहले क्या था अब क्या है। अगर आपको लेके फीलिंग्स अगर यहाँ पर पॉजिटिव आती हैं तो इट मीन्स कि आपका अब आपको चेज करेंगे, ठीक है, अब आपके साथ में जुड़ेंगे या फिर आपके साथ में अच्छे रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करेंगे। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या रहेगा आपके लिए, क्या फीलिंग्स है इस पर्सन की। ओके, सो वी हैव एस ऑफ कॉइन, फर्स्ट कार्ड ग्रोथ अबंडेंस का नज़र आता है, सेवन ऑफ कॉइन एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे हैं, नाइन ऑफ सोर्ड है यहाँ पे, एंड द टू ऑफ कप्स है।
तो व्यूवर्स देखो यहाँ पे एक अच्छी वाइब्रेशन आई है आपके लिए। मैंने जैसे बोला था जैसे अगर कार्ड जैसे ही आएंगे वैसा मैं आपको बताऊंगी। तो डेथ एंड द मून एनर्जी यानी कि रिलेशनशिप व्यूवर्स अगर आपका ख़त्म हुआ है तो उसके ख़त्म होने का, या फिर आपने अगर इस पर्सन को इग्नोर किया है तो उसके इग्नोरेंस का, इस पर्सन की जो सोचने समझने की शक्ति है, जो इच्छाएं हैं, उन पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। और ये जो पर्सन है ये चाह के भी आपकी एनर्जी से आपको देखे बिना या फिर आपको वॉच आउट किए बिना या फिर आपको कुछ दिखाए बिना ये रह नहीं पा रहे हैं। और इसीलिए व्यूअर्स ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं ये इस समय कुछ हद तक मैं व्यूअर्स बोलूँगी यहाँ पे पर्सन मुझे यहाँ पे चेजर नज़र आता है क्योंकि दे वॉन्ट टू कनेक्ट विद यू। टू ऑफ कप्स की एनर्जी आती है, सेवन ऑफ कॉइन, एस ऑफ कॉइन एंड नाइन ऑफ सोर्ड। तो ये कहीं ना कहीं व्यूअर्स ये दिखाता है कि आफ्टर लॉट्स ऑफ ट्रोमा, आफ्टर लॉट्स ऑफ ट्रबल, या फिर कहीं ना कहीं वो सोरो वो पेन को झेलने के बाद में जो इस पर्सन को फील हुआ है ड्यूरिंग दिस सेपरेशन, ड्यूरिंग दिस टाइम ड्यूरेशन जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल कॉन्टैक्ट में नहीं थे, या फिर आपके पर्सन किसी ऐसी सिचुएशन में थे जहाँ से ये मतलब सोचते बहुत ज़्यादा थे पर निकल नहीं पाते थे, कुछ कर नहीं पाते थे। तो आज यहाँ पे बस ये जो चाहते हैं आपके पर्सन कि आप इनके दिल दिमाग से नहीं निकल रहे हो, ठीक है, ऐसी सिचुएशन है, मतलब सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, कोई भी रनर हो, कोई भी चेजर हो, लेकिन ये ज़रूर है कि ना चाहते हुए ये पर्सन आपके बारे में सोचते बहुत हैं, चाहे फेल मेल हो या फीमेल हो, जैसा भी हो, लेकिन ना ये एनर्जी गाइज आपको बता रही है कि हाँ ये एक्सपेक्टेशन है उनकी, ये वो कहीं ना कहीं चाहते हैं वो आपसे एक तरह का रियूनियन, एक तरह से जुड़ना, एक तरह से ग्रोथ इस रिलेशनशिप के अंदर, न्यू बिगनिंग इस रिलेशनशिप के अंदर, और ओवरकम फ्रॉम फियर एंड एंग्जाइटी, ये इस कनेक्शन में आपके पर्सन चाहते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको सारी सिचुएशन यहाँ पे क्लियरली समझ में आ गई होगी जो मैंने पीछे आपको एक कहानी पूरी सुनाई आपकी रिलेशनशिप की, और एंड द लास्ट आपके लिए जो रिज़ल्ट आया वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो जिन लोगों के लिए रिज़ल्ट आया उन लोगों को भी समझ में आ ही गया होगा कि ये किन लोगों के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, अगर नहीं किया है तो ऐसी और रीडिंग्स के लिए एंड व्यूअर्स पर्सनल लिंक के लिए आप मुझे ऊपर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा पर्सनल लिंक पेड होती है। ओके व्यूअर्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय।